हम लोगों ने मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में बात किया था। मेटल्स के बारे में हमने विस्तार से बात किया था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटलिक लस्टर क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, ये हमने देखा था। मेटल के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे हाई रहते थे, ये हमने देखा था। कुछ एक्सेप्शन थे उसमें, जैसे मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम था, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम था, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हमको लिक्विड मिलता था, है ना। तो ऐसे भी कुछ मेटल्स थे जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम हुआ। मेलेबिलिटी हमने देखा था, मेलेबिलिटी मतलब जैसे हम उसको अगर स्ट्रेस देते हैं तो उसकी शीट्स बनती थी। डक्टिलिटी हमने देखा था, उसमें से बहुत ज़्यादा लंबे हम तार खींच सकते थे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हमने उसके देखी थी। ये मेटल के बारे में जैसे हमने स्टडी की थी, अभी हम उसके नॉन मेटल के बारे में स्टडी करेंगे। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स मतलब कौन, जो मेटल नहीं है, राइट। मेटल कैसे बने थे, मेटालिक बॉन्ड से बने थे। तो नॉन मेटल कैसे बनेंगे, ये नॉन मेटालिक बॉन्ड से नहीं बनेंगे, इनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, ये जनरली मॉलिक्यूल्स ऐसे बनते हैं कि दो या अलग अलग एटम एक साथ आकर, दो या दो से ज़्यादा, है ना, ये एटम्स एक साथ आकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और शेयर करने के कारण जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि भाई नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके लोन पेयर के होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके सिंगल होते हैं जो पी ऑर्बिटल में होते हैं। दूसरा नाइट्रोजन हम देखेंगे तो उसके भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो ऊपर हैं। अब ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और N2 नाम का हमारा एक मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज N2, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स कौन से हैं, ये बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड माने जाएंगे। हाइड्रोजन के साथ में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ में शेयर किया, जिनके कारण दोनों का ड्यूएट कंप्लीट हुआ था, या नाइट्रोजन में ऑक्टेट कंप्लीट हुआ था। तो ये जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, और इसीलिए ये जो है इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहेगी मेटालिक बॉन्ड की तुलना में। तब अगर इनकी स्ट्रेंथ कम है और इनको फिर मैं हार्डनेस चेक करने के लिए इसके ऊपर स्ट्रेस लगा दूं तो क्या होगा, ऑफकोर्स इसका टुकड़ा जल्दी पड़ेगा, ये ब्रिटल रहते हैं, ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर। क्यों, क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम क्यों है, क्योंकि शेयरिंग हुआ है, राइट। वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में थे और जिसमें उसके कर्नल्स एम्बेडेड होते थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि और एक फ्री इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, है ना। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नहीं है, इस क्रिस्टल के अंदर या इस लैटिस के अंदर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कब होगा, है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, यह कंडक्टर का, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर रहेगा क्या, नहीं रहेगा, नॉन कंडक्टर रहेगा। ये नॉन कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसके पास में वो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है जो एक्साइट होकर इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा सके, ठीक है।